हेलो साथियों, वेलकम टू इन्फोटेक आईटीआई क्लासेस, सबका स्वागत है आज के सेशन में। और हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एएलपी। रेलवे एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में हम इस क्लास में 4 से 5 डेली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन का वेटेज आपका होता है, और 25 क्वेश्चंस के वेटेज में प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चंस एएलपी के एग्जाम में पूछे जा सके, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं आप लोग, हाँ जुड़ जाइए, स्टार्ट हम लोग आज क्लास करने वाले हैं। हाँ साथियों, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एएलपी। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है? लेवल रहता है क्या सिलेबस है इसमें, देखो अर्थमेटिक पूछा ही जाता है, अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस जो मैथमेटिक्स है, एडवांस का मतलब ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, एलजेब्रा, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबको हमें पढ़ना है और हमें अपनी बेसिक कैलकुलेशन है उस पर ध्यान देना है। बेसिक कैलकुलेशन का ज्यादा रोल इसमें है, जितनी बेसिक कैलकुलेशन पर आप लोग ध्यान देंगे उतना ज्यादा ये पोर्शन आपका मजबूत हो पाएगा। हाँ तो साथियों आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ओमकार कह रहे हैं हेलो सर, बिल्कुल हेलो। टिम्सु कह रहे हैं हेलो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो ये सेशन है डेली 4 से 5 लाइव चलने वाला है, लाइव रहने वाला है, तो डेली सब लोग आए। इसमें आरआरबी एएलपी टेक्निशियन के लिए 2024 के लिए ये हमारी टीम है जो आपको देख रही है, जिसमें जीए पढ़ाएंगे अरुण सर, रीजनिंग आशीष सर ले रहे हैं, मैथमेटिक्स में आपके सामने ले ही रहा हूँ 4 से 5 के लिए ही, साइंस की जो क्लास है वो विजय सर लेंगे, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड की जो क्लास है वो दीपा मैम लेंगी, और ये सर अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास लेने वाले हैं। ये क्लास जरूर आप लोग अटेंड करें, एएलपी रेलवे एएलपी के जो स्टूडेंट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है, ये क्लास आज की पहली क्लास है। इसके बाद में अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, इन्फोटेक आईटीआई क्लास का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से आप लोग ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एएलपी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आरआरबी एएलपी और आरआरबी एएलपी में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मैथ्स की मैथमेटिक्स की क्लास यानी कि एप्टीट्यूड की क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे सारे लोग आ गए, एक बार कमेंट में कुछ भी लिखें जिससे मुझे मालूम चले क्लास स्टार्ट करना चाहिए। हाँ दोस्तों, करें क्या स्टार्ट क्लास? ओमकार, टिम्सु, मोदी जी, नीतीश रॉय, ये क्लास के बारे में आप लोग बता रहे हैं। क्या सब कुछ क्लियर है? क्या कमेंट आप लोग लिख पा रहे हैं? अभिषेक कुमार, गुड इवनिंग, बिल्कुल। नीतीश रॉय, गुड इवनिंग। हाँ सब क्लियर है, ऑल ओके है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में स्क्रीन पर डाल दूं, क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस हम लोग करें। हाँ यस सर, डब्ल्यू टी स्टडी करें, यस सर। ओमकार कह रहे हैं यस सर, सब क्लियर है। आइए तो क्वेश्चन फर्स्ट स्क्रीन पर हम लोग लेते हैं, और क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन फर्स्ट में करा, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 53 एंड ए इनटू बी इक्वल्स टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें ये एलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया। एलजेब्रा के लिए आपको इसके फॉर्मूले अगर याद है तो आसानी से इसके क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। हाँ स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल मोदी जी स्टार्ट कर दिया, विशाल गेम फैक्टर स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल। हाँ नीतीश रॉय बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, सुनील कुमार ठाकुर यस बिल्कुल स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। देखो समझो, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बताइए। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 53 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन एलजेब्रा का है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यानी कि बिल्कुल एक बेसिक लेवल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अगर बेसिक जानकारियां अगर आपकी क्लियर हैं तो आसानी से इसके क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। जैसे समझना, यहां पर उसने कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 53, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। हमको क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी फाइंड करना है। ए प्लस बी फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है और ए इंटू बी की वैल्यू भी हमारे पास है साथियों। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, गिवन है कितनी, 53 गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 53 रखेंगे यहां पर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी,
ए इंटू बी कितना है हमारे पास 14 है, तो 14 यहां पर हम लोग रख देंगे। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी इक्वल टू 53 में ऐड कर देंगे हम लोग कितना, 14 दुनी 28 को ऐड कर देंगे। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 8 और 3 11 हो गया, और 5 और 2 7 और 1 8 हो गया 81। और स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। सुनील कुमार ठाकुर कहने सर आप इंजीनियर्स अकेडमी में थे, इंजीनियर्स अकेडमी में तो हैं, यहाँ पर देख तो रहा है बेटा लोगो, इंजीनियर्स अकेडमी, इंजीनियर्स अकेडमी पावर्ड बाई इंजीनियर्स अकेडमी, इंजीनियर्स अकेडमी के द्वारा ही चलाया हुआ ये चैनल है। विष्णु खुसरो ज्योति राव नाइन आंसर आपने बताया, प्रणाम गुरु जी, बिल्कुल ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 इसका वर्गमूल आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में क्या बने, बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या सबको क्लियर हुआ है, क्या सबको क्लियर हुआ है, विष्णु खुसरो बेटा हाँ बी आंसर आपने बताया। इसके लिए फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है, फॉर्मूले देखो क्या क्या हो सकते हैं, फॉर्मूले समझिए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। आप जानते हैं फॉर्मूले, सब लोग जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, समझना ध्यान से। एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर खोलोगे तो आप लोग क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूलों से एक और फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा होगा आपने, एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले सर ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन इन फॉर्मूला पर, एक जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ इस पर घुमाकर क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम इसको फाइंड करें तो कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, इसका मतलब ये हुआ, और ये तो हमको चाहिए नहीं, केवल इतना चाहिए, तो हम लोग इसमें से 2ab क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 2ab को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्लियर है। और इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें और इसमें ऐड कर देंगे 2ab ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसमें से इसको माइनस कर दिया और ये वाला फॉर्मूला इसमें इसको ऐड कर दिया, तो 2ab कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूले होते हैं। एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, क्लियर है। और एक फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा a प्लस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूले आपको याद रखना जरूरी है। देखो ये जो फॉर्मूले आपको देख रहे हैं ये दोनों फॉर्मूले, इनको जोड़ करके और दो फॉर्मूले बनते हैं, यहाँ से देखो क्या फॉर्मूला बनेगा इससे, देखो समझना ध्यान से समझ लेना, इनसे क्वेश्चंस जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो बचेगा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास बनेगा ये। और अगर इन फॉर्मूलों को आप लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी एक की बार, तो क्या बचेगा आपके पास 2ab प्लस 2ab 4ab बच पाएगा आपके पास, ये चीजें बचेंगी। मैं कह रहा हूं इन पर बेस्ड बार बार रेलवे हर बार इनसे क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आरआरबी है चाहे वो आपका एएलपी है, पिछले क्वेश्चंस उठा के देखेंगे एक एक क्वेश्चन हर एक सेट में आपको इसका मिलेगा दोस्तों, क्लियर है। समझ में आए इतनी सारी चीजें आपके समझ में आ पाई होंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आपका जरूर मिलता ही है आपके रेलवे में, रेलवे का फेवरेट चैप्टर्स में कुछ जिनमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, जैसे आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको लिख रहा है। हाँ अंकित कुमार कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस शहर की बात कर रहे हैं उसी शहर से क्लास ले रहा हूं मैं, नीतीश रॉय यस ठीक है ना।
आइए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ए अकेला एक दीवार को, ए अकेला है, ए है अकेला एक दीवार को बनाता है 50 दिनों में, पेंट कर सकता है, बना नहीं रहा, पेंट कर सकता है। बी अकेला इसी दीवार को 10 दिनों में पेंट कर सकता है, तथा ए बी सी एक साथ मिलकर दीवार को 6.25 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो सी अकेले इस दीवार को कितने दिनों में पेंट करेंगे, कर रहे हैं पेंट, लेकिन ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, उसी कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होगा। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, इस क्लास से क्वेश्चन आपके एएलपी में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बाहर नहीं होंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पिछले पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। राज अमित सिन्हा बिल्कुल, जय श्री राधे, राज अमित सिन्हा बिल्कुल, हेलो बिल्कुल दोस्तों, हाँ आपके पास क्वेश्चन है, इसका आंसर बी बता रहे हैं आप लोग, बी बता रहे हैं, बाकी भी बताएं, बी बता रहे हैं 25 दिन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे हैं 25 डेज 25 दिन। देखो समझो, इसके लिए मैं, आपने जिस किसी भी तरीके से पढ़ा है, मैं एक बहुत ही शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूं। देखो ए ने अकेले ने कितने दिनों में, 50 दिनों में पेंट कर दिया, 50 दिन डी लिख दिया मैंने। बी अकेला है, अकेला बी कितने दिनों में, 10 दिनों में करता है, 10 दिन पेंट कर दिया। ए बी सी तीनों मिलकर के, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 6 पूर्णांक, इसको मैं 6 पूर्णांक, इसको मैं 6 1/4 लिख सकता हूं क्या, और 6 1/4 लिख देंगे तो क्या होगा, 6 चौक 24 और 25/4 दिन, 25/4 दिन लिख लिया ना इसको हमने, पॉइंट को कैसे में कर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर लिया हमने। आरआरबी जी के लिए ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल विष्णु कुमार ठीक रहेगा, हाँ 25/4 हमने यहाँ पर कर लिया 4 दिन। अब पॉइंट ये कि दीवार है, कितनी है, एक दीवार है, दीवार पर कितना वर्क है, हम अपने हिसाब से कुछ भी वर्क मान सकते हैं, कुछ भी वर्क मान सकते हैं, अच्छा कुछ भी मान सकते हैं, तो ऐसा वर्क माने जो इनसे डिवाइड हो जाए, इनसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। क्यों मान रहे हैं डिवाइड हो जाए, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, फ्रैक्शन ना बने। तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे, किसका, 50 का, 10 का और 25 का। अच्छा 50 का, 10 का और 25 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो इन तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, लेस है, जो 50 से डिवाइड हो जाए, 10 से डिवाइड हो जाए, 25 से डिवाइड हो जाए, ऐसी वैल्यू क्या होगी, तो 50 होगी। 50 एक ऐसी वैल्यू जो 50 से भी डिवाइड हो जाएगी, 10 से भी डिवाइड हो जाएगी और 25 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 50 ले लिया, 50 यूनिट, क्या मान लिया, 50 यूनिट, 50 यूनिट हमने टोटल वर्क मान लिया, TW क्या मान लिया, टोटल वर्क हमारा कितना है, 50 यूनिट है, 50 यूनिट। बिल्कुल आराम से समझना आप लोग, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, अगर चैप्टर भी नहीं पढ़ा तो भी आपके अच्छे से समझ में आ पाएगा। टोटल 50 यूनिट वर्ग, 50 मीटर मान लिया, 50 सेंटीमीटर मान लिया, 50 यूनिट मान लिया हमने, क्लियर। सबसे क्लास 4 से 5 चलता है, अभिषेक कुमार बेटा 4 से 5 अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ये। तो टोटल 50 वर्क है, और 50 वर्क को ए कितने दिन में करता है, 50 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 50/50 एक यूनिट काम करेगा। बी कितना काम करेगा, तो एक दिन में काम करेगा 5 यूनिट काम करेगा, ये कितना करेगा, तो 50 को इससे डिवाइड करेंगे, 50 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 25/4 से, तो 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो 25 दूनी 50 दो बार और 2 चौके 8, ये 8 यूनिट काम करेगा। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया, सबको समझ में आया ना, फटाफट कमेंट में बताते रहे। देखो टोटल 50 यूनिट वर्क मान लिया हमने, 50 यूनिट वर्क मान लिया, 50 यूनिट वर्क को ए 50 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, एक यूनिट। बी 50 यूनिट काम करता है 10 दिनों में, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ए बी सी 50 यूनिट को करते हैं 25/4 दिन में, तो 25/4 से डिवाइड कर देंगे, 8 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। ये इतनी बातें अच्छा अच्छे समझ में आ पाएंगी। अब ये जो है ना, ये इनकी इफिशियंसी है, ए बी सी, देखो समझो, यहां पर आइए समझिए, ये जो ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी, ई से मान लो इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है एक दिन का काम, कोई पर्सन एक दिन में जितना काम करता है उसको उसकी हम लोग वर्क इफिशियंसी बोलते हैं, वर्क इफिशियंसी बोलते हैं। तो इन तीनों की वर्क इफिशियंसी कितनी है, 8 है, 8 है।
काम किससे करवाना है हमको, पूरा काम करवाना है अकेले सी से। तो हमें किसकी इफिशियंसी चाहिए, अकेले सी की इफिशियंसी की जरूरत है। अच्छा, सी की कार्य क्षमता की जरूरत है, तो हम तीनों की कार्य क्षमता में से ए और बी की कार्य क्षमता माइनस कर देंगे, तो सी की आ जाएगी। ए और बी की कितनी है, 1 और 5 6 है, तो अकेले सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी होगी, तो 8 में से 6 माइनस कर देंगे, तो 2 यूनिट। और सी सी जो है वो टोटल वर्क को, टोटल टाइम कितना लेगा सी जो है, वो टोटल कितना समय लेगा, क्योंकि एक दिन में तो 2 यूनिट काम करेगा, काम करना कितना है उसको, 50 यूनिट, तो 50 को डिवाइड कर देंगे 2 से, बराबर 25 दिन। 25 दिनों में ये काम पूरा कर देगा। क्या समझ में आ पाया सबको ये? आई एम फिदा फॉर योर टीचिंग। कौन कह रहे हैं? सन्मुख कह रहे हैं। थैंक यू बेटा। ये समझ में आया क्या क्वेश्चन पहले, ये बताइए क्या समझ में आ पाया सबको? आज फर्स्ट डे है भाई, बिल्कुल फर्स्ट डे है। 4 से 5 क्लास चलता है, पहला ही दिन है, डेली क्लास चलेगी, कल भी चलेगी, 26 जनवरी है, कल फिर भी क्लास चलेगी। बिल्कुल आंसर क्या हुआ, 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आपके आ गया होगा, मेरे हिसाब समझ में आ पाना चाहिए। इफिशियंसी देखते हैं, इफिशियंसी क्या होती है, एक दिन में जो पर्सन जितना काम करता है उसको उसकी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, कार्य कुशलता बोलते हैं, वर्क इफिशियंसी हम उसको बोलते हैं। क्लियर है? 50 कहां से लिए, 50 ये 50 से एलसीएम ले लिया हमने, 50 क्या, इन तीनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऑफ 50 10 और 25 का एलसीएम ले लिया हमने। इसका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम कितना आया, 50 आया। एलसीएम मतलब लास्ट सा 50 एलसीएम, 50 हो उसी को टोटल वर्क हम लोग मान लेंगे। टोटल वर्क जैसे मतलब 50 रोटियां हैं, 50 आपके पास चिप्स हैं, 50 आपके पास चॉकलेट्स हैं, 50 चॉकलेट्स को मान लो ये 50 दिन में खाएगा, तो एक दिन में कितनी, एक चॉकलेट ही तो खाएगा। 50 चॉकलेट को 10 दिन में खाएगा, तो एक दिन में 5 चॉकलेट खाएगा। 50 चॉकलेट को 25/4 दिन में खाएगा, तो हम लोगों ने क्या किया, 50 को डिवाइड किया किससे, हमने 50 को डिवाइड किया 25/4 से, 25/4 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास ये रहा, करें बिल्कुल बिल्कुल आराम से, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चन के आसपास की जो चीजें हैं उनको भी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, जिससे कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और क्वेश्चंस का क्या लेवल है वो भी समझ में आपको आ पाए। एक क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, देखेंगे हम लोग। एक 50 मीटर लंबी स्टील की छड़ से एक कामगार को 5.25 मीटर लंबाई के यथासंभव टुकड़े काटने हैं, इस पूरी छड़ का कितना हिस्सा शेष बचेगा, दशमलव भिन्न में ज्ञात कीजिए, कितना हिस्सा, कितना पार्ट शेष बचेगा, वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। सर आप इतने अच्छे कैसे पढ़ा लेते हैं, चंदन कुमार कह रहे हैं। बेटा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तारीफें नहीं कीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ समझ रहे हैं तारीफ करें, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या फोकस हमारा है। सारे लोग डेली आए, डेली जुड़े हैं आप लोग, और एक दो दिन क्लास लेने के बाद आपको पता चलेगा कि बेहतरीन इम्प्रूवमेंट आपकी मैथमेटिक्स में, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कामगार है, एक 50 मीटर लंबी छड़ है, देखो समझो एक छड़ है, यह छड़, ये रही छड़ है, ये समझो है ना, छड़ है ये वाली, ध्यान से समझो बिल्कुल, और इसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर है। कितनी मीटर है, बोले सर 50 मीटर है। अब उसमें से कह रहा है एक कामगार है, एक कामगार इसमें से क्या कर रहा है, 5.25 मीटर की यथासंभव छोटे छोटे टुकड़े काट रहा है, इसको देखो ऐसे ऐसे काट दिए, ऐसे 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 काट दिए, इन सब का जो साइज है वो 5.25 है, इन सब का साइज क्या है, सेम है, 5.25 है। अच्छा 5.25 से कुछ पार्ट बच जाएगा, जो कि पूरा पार्ट नहीं कट पाएगा लास्ट वाला, तो कितना पार्ट बचेगा वो पूछ रहा है आपसे, कितना पार्ट बचेगा ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। आइए समझते हैं। अच्छा 50 मीटर की छड़ है, जैसे मान लो 20 मीटर की छड़ होती, 22 मीटर की होती, बोलो समझो 22 मीटर की, 21 की मान लो, 21 की छड़ होती, और इसमें से 2-2 मीटर के टुकड़े आप लोग काटते, 2-2 मीटर के टुकड़े आप लोग काटते, तो आप लोग क्या करते, 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे आप लोग,
21 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 टुकड़े तो पूरे पूरे कट जाएंगे आपके पास, कितना बचेगा? 1/2 पार्ट बचेगा आपके पास, कितना बचेगा? 1/2 पार्ट आपका इसमें से बच जाएगा। ये तो करना है आपको, 1/2 बचना। इसी तरह से कर सकते हैं, करके देखें आप लोग बनाए क्वेश्चन को बन पाता है। तो मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दे दी, आंसर कर रहे हैं आप लोग, आंसर ए बता रहे हैं आप लोग, 0.025। हाँ कर रहे हैं क्या आप लोग? क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हो दोस्तों? देखो समझो, आइए समझ लेते हैं। 0.025 ज्योति राव ने बताया, देखिए आइए समझते हैं। देखो अच्छा, 50 मीटर है वो, ये 50 मीटर है, क्या इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं? 50 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 50 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 5000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और एक क्षण में कितने की चाहिए? 5.25। तो इसमें सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? 5.25 में 525 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इतना समझ में आया? इतना आपके समझ में आ पाया होगा, ठीक है? ये टोटल छड़ कितनी लंबाई है उसकी इससे हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कितना हिस्सा बच जाएगा? जो पार्ट फ्रैक्शन में आ जाएगा वो हिस्सा हमारे पास बच जाएगा। आइए तो समझते हैं, इसमें से हम 25 से डिवाइड कर दें क्या? 25 दूनी 50, 200 बार डिवाइड हो गए, और 25 से हम इसको काट देंगे तो 25 दूनी 50 और 25 सेकंड 25, 200/25 आ गया। अब 200 को डिवाइड कर दीजिए यहां पर आप लोग, 200 को डिवाइड करेंगे किससे? 21 से, और 200 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 9 में 189 होते हैं, 21 9 में 189, 21 9 में 189, और कितने बचेंगे आपके पास? 11 बच जाएंगे, 11/21, ये बचा ना 11/21, यानी कि 9 टुकड़े तो पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पास, कितने के? 5.25 के। पार्ट कितना बचेगा? तो पार्ट हमारे पास 11/21 ही तो बच जाएगा, 11/21 बचेगा ना, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं मैं, 11/21 पार्ट बचेगा। इसी को किस बनाना है? फ्रैक्शन बनाना है। तो बोले सर क्या करें इसके लिए? तो 21 को 21 से डिवाइड कर देंगे 11 को। बोले सर नहीं हो रहा, तो पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, है ना? 21 पंजे कितने होते हैं? 105। 21 पंजे 105 हुए कि नहीं हुए? मैं बिल्कुल आपके तरीके से बता रहा हूं, और आज हमारे कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग बन जाएगी कि किस तरह से आप लोग समझ रहे हैं, किस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूं, फिर रिदम बन जाएगा एक दो दिन में हमारा, हम एक दूसरे को समझ लेंगे, जान लेंगे। तो 5 बचेगा यहां पर हमारा, कितना बचेगा? 5, ठीक है, 5 बचेगा यहां पर हमारा, 5 बचेगा। तो भाग नहीं जा रहा हमारा, सही है ना? अब 5 बचेगा, एक और 0 बढ़ा देते हैं यहां पर, 50 हो गया, और यहां पर और 50 हो गया, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, सही है ना? 0.5 वाला कोई है क्या इसमें? 0.05, 21 दूनी 42, कितना बचेगा हमारे पास यहां पर? 8 बचेगा। 0.52 है क्या कोई सा ऑप्शन? 0.5 जो है वो आपके ऑप्शन सी में दिख पा रहा है, 0.5 आपके सी में दिख पा रहा है, जबकि हमारे पास तो 0.52 वाला आंसर आपका होना चाहिए। क्या आंसर बता रहे हैं? ऑप्शन सी, 0.5 वाला आंसर होना चाहिए, ए नहीं होगा, 0.5 वाला आंसर इसमें हो जाएगा आंसर, 0.52 वाला, 0.55 ऑप्शन सी, सी इसमें कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट यही दिख रहा है और कोई आंसर हमारे पास दिख नहीं पा रहा है। समझ में आया क्या सबको? क्या समझ में आ पाया? क्या क्लियर है सबको? हाँ, 0.05, बिल्कुल चंदन, बिल्कुल 0.05, क्योंकि भाग नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट बढ़ा लिया, 0 आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में गिवन है। सी क्लियर है? सी क्लियर है क्या सबको? आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यार एक पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे टाइम एंड वर्क, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, इससे पहले ही क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग बताइए। चंदन बिल्कुल 0.05 आंसर उसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे एक्स घंटे में खाली कर सकता है, जो खाली करने वाला पाइप है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है।
एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा बताएं, फटाफट बताएं आप लोग क्या आंसर होगा। देखो वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस यहां पर कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम में सेम कॉन्सेप्ट काम आपका करता है। वो कह रहा है पाइप ए है, समझो देखो ए पाइप है ना, ए है पाइप, कितने घंटे में भरता है, तो 12 घंटे में भरता है, ध्यान रखें, तो ये 12 घंटे में भरता है 12 आवर में। पाइप बी इसे एक्स घंटे में खाली कर देता है, खाली करने वाला पाइप है, ड्रेनेज टैप, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि दोनों पाइप मतलब ए प्लस बी दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है, 30 घंटे में भरती है। ए जो पाइप है वो 12 घंटे में भरता है और दोनों मिलकर के कितने घंटे में भरते हैं, 30 घंटे में भर देते हैं, दोनों मिलकर कितने में, 30 घंटे में भर देते हैं। तो वो पाइप जो भर रहे हैं, टंकी भर रहे हैं, टंकी की इफिशियंसी कितनी, कितनी क्षमता, कितना पानी भरा जाएगा, ये हम लोग फाइंड कर लें पहले। तो पानी फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, सबसे आसान तरीका है। तो 12 और 30 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 12 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। बोले सर ऐसे कैसे निकाल दिया एलसीएम आपने, 60 यूनिट टोटल वर्क हमारे पास हो गया, टोटल वर्क कितना हुआ 60 यूनिट टोटल वर्क हमारा हो गया, TW टोटल वर्क। देखो एलसीएम निकालने का आसान तरीका है, इनमें ऐसा देखिए सबसे बड़ा फैक्टर देखिए क्या है 12 और 6 में, 12 और 30 में सबसे बड़ा फैक्टर है 6, तो 6 से काट दिया अपने, 6 ले लिया सबसे बड़ा फैक्टर, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो उससे भी मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, तो 60 आ गया आपके पास एलसीएम, 60 यूनिट टोटल वर्क। इस तरह से एलसीएम आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ये आंसर इसका बता रहे हो आप लोग। आइए देखो, अब देखो ए भरने वाला है, 12 घंटे में भरता है तो 12 × 5 = 60, 5 यूनिट पानी भरता होगा, इसकी इफिशियंसी कैसी है, पॉजिटिव है, भरने वाला जो टैप होगा उसकी इफिशियंसी पॉजिटिव और खाली करने वाला होगा उसकी इफिशियंसी नेगेटिव। ए और बी 30 × 60 ये भी दोनों मिलकर के भर रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब उससे खाली करवाना है किससे, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, बी कितने समय में खाली करेगा ये पूछ रहा है आपसे, तो बी कितने में खाली करेगा, तो ए और बी की इफिशियंसी तो हमारे पास कितनी है, +2 है, कितनी है +2 है, और ए की इफिशियंसी, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। अच्छा ए की 5 है और ए और बी दोनों की 2 है तो 5 तो पॉजिटिव है, 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, 2 - 5 = -3 बचेगा ना, बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, -3, बी की जो कार्य क्षमता है, बी की जो वर्क इफिशियंसी वो कितनी है, -3 है। क्या आप हार्म खोल हैं, हार्म खोल मतलब जोगेश, हार्म खोल मतलब क्या है बेटा, बी की इफिशियंसी कितनी है, 3। अच्छा माइनस में आ गई बी की इफिशियंसी, माइनस में आने का मतलब है कि ये जो टैप है, ये जो नल है, ये क्या है, खाली करने वाला है, और एक घंटे में कितना यूनिट पानी खाली करेगा, 3 यूनिट पानी खाली कर देगा। तो बी अकेला टोटल कितना समय लेगा खाली करने में, बी टोटल समय लेगा, टोटल वर्क कितना है, 60 है, 60 को डिवाइड कर देंगे 3 से, इक्वल टू कितना, 20 घंटे में ये खाली कर देगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको गिवन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट। आप लोग ये ध्यान रखें टैंक वाले जो क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे इसमें जो फिल करने वाले जो टैप है वो पॉजिटिव वर्क करते हैं और खाली करने वाला जो टैप है उसकी जो इफिशियंसी है वो नेगेटिव होती है। मान लो जैसे सी है, ये ए है, ये बी है, ये फिल कर रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी, पॉजिटिव, इसकी इफिशियंसी क्या होगी, पॉजिटिव। अब ये खाली करने वाला, इसकी इफिशियंसी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। जो टैप फिल करेगा उसकी इफिशियंसी पॉजिटिव और जो खाली करेगा उसकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया, रविशंकर कुमार बिल्कुल, चंदन कुमार बिल्कुल बेटा, सुभाष कुमार बिल्कुल, समझ में आया, क्लियर है। पॉजिटिव और नेगेटिव एफिशिएंसी का बस आप लोग ध्यान ये रखें, तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 24 and 60, 24 और 60 के तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का ये क्वेश्चन है,
रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, और रेशियो एंड प्रपोर्शन के जो क्वेश्चन है उसमें तृतीय अनुपात ही पूछ रहा है, थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा है। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? देखो कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, थर्ड प्रपोर्शन तृतीय अनुपात इस क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में आपसे तृतीय अनुपात पूछ सकता है, मध्यानुपाती पूछ सकता है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती पूछ सकता है, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती भी पूछ सकता है, चतुर्थानुपाती। इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, रेलवे खूब क्वेश्चन इनसे पूछता है। कैसे इनके क्वेश्चन फाइंड करेंगे? सिक्स का आंसर ए आप लोग बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। जैसे थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा है ना, तो इसका आसान तरीका बिना फॉर्मूले के मैं बता रहा हूं। जैसे आपसे पूछा 24 है, 60 है, इनका थर्ड प्रपोर्शन एक्स मान लिया। बोले सर थर्ड प्रपोर्शन थर्ड प्लेस पर ही क्यों माना? थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा थर्ड प्लेस पर मानेंगे, अगर वो मेन प्रपोर्शन पूछेगा तो उनके मिडिल में मान लेंगे, मध्य में मान लेंगे, अगर वो फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा तो फोर्थ प्लेस पर मानेंगे, क्या मानेंगे? फोर्थ प्लेस पर। समझना इसको, एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो सकता है, इसको समझेंगे तो आप लोग। अब इसको प्रपोर्शन में हम लोग व्यक्त करेंगे, प्रपोर्शन में लिखेंगे, प्रपोर्शन में यानी कि समानुपात में लिखेंगे, समानुपात में लिखेंगे, इसका मतलब 24 का 60 से वही अनुपात है जो 60 का किससे है? एक्स से है। या सीधा ध्यान रखें, जब भी हम समानुपात में लिखेंगे और आपके पास कंप्लीट चार वैल्यू नहीं होंगी तो आप लोग मध्य के पद को, मिडिल टर्म को दो बार लिख देंगे, मिडिल टर्म को कितनी बार? दो बार लिख देंगे। मिडिल टर्म क्या है? 60 है आपके पास, तो आप लोग लिखेंगे 24 अनुपात 60, समानुपात 60 अनुपात एक्स, 60 अनुपात क्या होगा? एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसको आप लोगों को मालूम है कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 24 गुना एक्स बराबर 60 गुना 60, ठीक हुआ ना? तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 60 गुना 60 और 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, 24 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग 6 से डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24, 6 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा। 4 से इसको काट सकते हैं कितनी बार? 15 बार, और 15 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ जाएगा आंसर आपका, और 150 ऑप्शन ए में गिवन है आपको। इसका फॉर्मूला भी होता है, थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, मीन प्रपोर्शन का जो फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट ए बी, फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन ए बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए। लेकिन ये फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, बिना ही फॉर्मूले के हम आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्लियर है क्या? क्या समझ में आ पाया सबको? क्या समझ में आ रहा है? फटाफट बता दें समझ में आ पा रहा है क्या। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको मीन प्रपोर्शन का करवाता हूं, मीन प्रपोर्शन समझना, मीन प्रपोर्शन मान लो आपसे पूछ ले, क्वेश्चन देता हूं, मीन प्रपोर्शन देखिए, 8 तथा 16 का मध्यानुपाती बताओ, मध्यानुपाती बताओ, क्या होगा मध्यानुपाती? फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 8 एंड 16, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 8 एंड 16, सॉरी 8 की बजाय आप लोग क्या ले लें? 9 ले लें यहां पर, तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। 9 एंड 16, 9 और 16 का क्या पूछ रहा है आपसे? वो मध्यानुपाती पूछ रहा है, मीन प्रपोर्शन पूछ रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या आप लोग बता रहे हैं इसको? मीन प्रपोर्शन अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया, बाकी मीन प्रपोर्शन पूछेगा तो उसके लिए फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, बिना ही फॉर्मूले के बना सकते हैं। चंदन कह रहे हैं 12 होगा, चंदन कुमार ने आंसर बताया 12 होगा, 12 हो जाएगा। बाकी लोग बताइए, 12 बताया, सन्मुख कह रहे हैं 12 होगा आंसर, सुशील कुमार 12 बता रहे हैं, चंदन कुमार हाँ बिल्कुल 12 हुआ। देखो मीन प्रपोर्शन अगर पूछ रहा है ना, तो आप लोग मीन में मध्य में मान लें एक्स, एक्स मध्य में मान लिया, देखो मध्य मान लिया ना एक्स, अब इसको हम समानुपात में लिखेंगे, समानुपात में अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे? मिडिल टर्म को दो बार लिखना पड़ेगा, 9 रेशियो एक्स
प्रोपोर्शन एक्स रेशियो एक्स अनुपात 16 है, यही है ना। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो एक्स बराबर क्या हुआ, अंडर रूट 144। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी, 12 आंसर हमारे पास आ गया। क्या समझ में आया सबको? एक और क्वेश्चन बता देता हूं, इससे सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। कि मैंने कहा यहां पर कि 5, 8 तथा 15 का चतुर्थानुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती बताओ क्या होगा, चतुर्थानुपाती फटाफट बता दें आप लोग। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, मीन प्रोपोर्शन पूछ लेगा आपसे, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा आपसे, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लेगा आपसे, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। जोहर सर झारखंड की भूमि से गुड्डू कुमार कह रहे हैं, वेलकम, स्वागत है सर। एएलपी स्टूडेंट के साथ धोखा गवर्नमेंट को बोल रहा था। अच्छा, जोगेश कह रहे हैं, अच्छा, एएलपी स्टूडेंट के साथ गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन आपके पास जितनी सारी वैकेंसी हैं, जो स्टूडेंट कर रहे हैं टीचर्स फीस में साथ साथ कुछ ना कर रहे हैं, हैशटैग चला ही रहे हैं, आपको मेन काम क्या कर रहा है, मेन काम तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। मान लो गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं इंक्रीज करती, नहीं बढ़ाती, तो क्या करें, वैकेंसी बढ़नी चाहिए, हम साथ हैं आपके, हैशटैग चला ही रहा था, 10 बजे हैशटैग चलाया था, सब ने हैशटैग किया था, लेकिन उसके साथ साथ भी मेन जो काम है, वैकेंसी बढ़ भी जाएगी तो भी मेन काम तो पढ़ाई है ना, स्टडी है ना, वो तो करना पड़ेगा आपको, उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। इसका 24 आप लोग बता रहे हैं। देखिए, इसका चतुर्थानुपाती का मतलब है कि फोर्थ प्लेस पर हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, 5, 8, 15 और फोर्थ प्लेस पर एक्स मान लिया। इसमें तो किसी वैल्यू को दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, किसी वैल्यू को दोबारा नहीं लिखेंगे तो 5:8 = 15:x है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 15 हो जाएगा, और 5 से हम लोग काट देंगे इसको 15 को, कितनी बार काटेगा, 3 बार, 5 × 3 = 15, और x की वैल्यू होगी 8 × 3 = 24 हो जाएगी, 24। क्या क्लियर है, क्या ये मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्लियर हुआ आपको, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से क्लियर हो पाना चाहिए, सबने आंसर 24 दिया, वेरी गुड, तो मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर बताएंगे। हमारा मोटिव दो चीजों पर रहेगा क्लास में, ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें दो टर्म को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सेशन को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे डेली क्लास 4 से 5 चलेगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि पीवाईक्यू क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चंस कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, पहला पॉइंट ये। दूसरा, इस पे ध्यान दिया जाएगा कि क्वेश्चन इसके आसपास कहां से पूछे जा सकते हैं, उन चीजों का भी ध्यान दिया जाएगा, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो क्लास को जरूर ज्वाइन करें डेली, आप लोग लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में सेशन जरूर आप लोग देखिएगा। मैथ के क्वेश्चंस ये मेरे इस सेशन से बाहर नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। बाकी इन्फोटेट की सारी टीम बहुत बेहतरीन तरीके से आपके साथ काम कर रही है, सारे सब्जेक्ट टाइम टाइम पर क्लासेज आपके लेकर आ रही है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी, जितनी भी पोस्टर्स हैं उसमें पढ़ना हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, और वो काम मेरे हिसाब से आप ईमानदारी से कर रहे होंगे। हाँ ज्योति राव, यस बिल्कुल, हाँ डेंकू, यस सर बिल्कुल, रानी, यस सर, 1120, चांदनी कुमारी ए, ये जो नाम मैं देख रहा हूँ डेली ले रहा हूँ, ये नाम मुझे याद हो जाने चाहिए। कैसे याद होंगे, डेली क्लास आप लोग लेंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल, कई सारे स्टूडेंटों को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो बहुत अच्छी बात है। तमीसू कह रहे हैं यस सर, रानी यस सर, आलोक कह रहे हैं 1120 होगा, कुमारी कह रहे हैं। देखो मैं पहले आपको डिटेल से बताता हूँ एलसीएम कैसे, मतलब एलसीएम का इतना छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताएंगे। देखो आप लोग एलसीएम लेते होंगे 56 और 50, ऐसे करते हो ना, तो आप लोग ऐसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए, है ना। तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसको किससे, 2 से डिवाइड करेंगे ना, दोनों डिवाइड हो जाए, 2 × 4 और 2 × 8 = 16, और 2 से कितनी बार, 25 बार डिवाइड हुआ। फिर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक किसी नंबर से डिवाइड हो नहीं रहे, फिर 2 से डिवाइड कर दें, तो 14 बार और ये 25 बार, फिर 2 से डिवाइड किया आपने, 2 × 7 = 14, 2 × 25 बार, फिर आपने 5 से डिवाइड किया कितनी बार, 7 बार और ये 5 बार,
फिर सात से डिवाइड किया आपने एक बार और पांच बार, फिर पांच से डिवाइड किया आपने एक बार, ऐसे कर रहे होंगे आप लोग। ये सब करना नहीं है हमको, पांच पांच पंजे 25, 25 दुनी 50, दुनी 100, दुनी 200, 2 से पंजे 1400 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 1400 हुआ कि नहीं हुआ? 1400 आंसर भी आपने दे दिया, ए होगा। क्या होगा? ए आंसर होगा, ये आंसर आपने दिया। लेकिन ये नहीं करना एग्जाम में। एलसीएम होता क्या है, इसको अगर एक बार पकड़ जाओगे ना फिर आसानी से, देखो जादू की तरह एलसीएम क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं है, 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है। देखो समझो एलसीएम होता क्या है, जैसे 50 के हमने फैक्टर कर लिए दोस्तों, 50 के फैक्टर करेंगे 2 × 5 × 5 होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और 56 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 7 होंगे। ये फैक्टर्स होंगे, ये फैक्टर्स होंगे ना। अब ध्यान समझो, सर प्लीज सेंड कर रही हैं क्या? प्लीज सेंड कर रहे भी ना, प्लीज रिप्लाई में मैसेज मत करना, प्लीज रिप्लाई में मैसेज मत। क्या है शाहिद खान, क्या लिख रहे हो आप लोग? डिलीट कर दिया आपने, बताइए शायद क्या कमेंट किया, फिर डिलीट कर दिया। एलसीएम को समझो, क्वेश्चन पे करते हैं, ऐसे कमेंट कर क्वेश्चन से डाइवर्ट कर दिया ना मुझे आपने। क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एलसीएम फाइंड करना। एलसीएम में क्या करते हैं हम, इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, तो कॉमन फैक्टर दो ही है, तो दो ले लिया। दो के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होता तो बाकी सबको ले लेते हैं हम लोग। दो के अलावा क्या लिया हमने, पांच भी ले लिया, फिर पांच ले लिया, फिर दो ले लिया, फिर सात ले लिया, यही करते हैं ना। इनको मल्टीप्लाई किया 1400 आ गया, 1400 आ गया। ये सब करना ही नहीं है हमको, ये नहीं करना है, ये प्रोसेस नहीं करना है, ये सब नहीं करना। क्या करना है देखो, इसमें दो के फैक्टर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर दो का एक ही फैक्टर है। इसमें दो के कितने फैक्टर हैं, दो के दो फैक्टर हैं, तो हम लोग हाईएस्ट फैक्टर लिया ना 2 × 2, तो 2 × 2 पहले ही 4 ले लेते हैं। 4 ले लेंगे तो ये वाला अपने आप कट जाएगा। 5 के फैक्टर इसमें है क्या? नहीं है। 5 के हाईएस्ट फैक्टर 2 है तो 5 के 2 फैक्टर ले लेंगे, 25 ले लेंगे, और बाकी बचा 7 ले लेंगे, तो 7 ले लिया, और बस इतना करके 1400 करना है। बोले सर एक्चुअल बताना क्या चाहते हो वो बताइए। जैसे आपने देखा कि ये 56 है, आपने देखा ये 56 है, और आपने देखा ये 50 है। अब एलसीएम देखना कैसे उड़ेगा। दो के फैक्टर कितने इसमें, 25 × 50 करेंगे, दो का एक फैक्टर है, दो के इसमें दो फैक्टर हैं, दो के दो फैक्टर का मतलब 4, दो के दो फैक्टर का मतलब 4, दो के जितने सारे फैक्टर हैं खत्म, 3 के फैक्टर हैं नहीं इसमें, क्लियर। इसमें 7 का फैक्टर कितने, एक फैक्टर 7 का, क्योंकि 14 × 56 7 का एक फैक्टर, 7 का इसमें फैक्टर है ही नहीं। दो के फैक्टर ले लिए, 5 के दो फैक्टर है, 5 के दो फैक्टर का मतलब 25, बस इतना करना है, मल्टीप्लाई करके 1400 लिख देना है। ये प्रोसेस यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में आते आते, 2 से और मल्टीपल होगा, 2 से और मल्टीपल होगा, किसमें होगा 2 से और मल्टीपल, हाँ 2 से और मल्टीपल होगा। चौदह चौक 56, बिल्कुल 2 से और मल्टीपल होगा इसमें, बिल्कुल 2 से और मल्टीपल होगा, 2 के 3 फैक्टर थे फिर यहाँ पर, है ना, 2 के 3 फैक्टर हैं इसमें, तो 8 लेंगे फिर यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ पर भी क्या लेंगे 8 लेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या लेंगे 8, क्लियर है, क्लियर। 56 में 2 के 3 फैक्टर हुए थे, 3 ले लिया हमने वहां पर, समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी है, हाईएस्ट जो फैक्टर है ना उसको ले लेंगे, और हाईएस्ट फैक्टर के हिसाब से हम लोग कर देंगे। मैंने लॉन्ग ट्रिक भी बताया, शॉर्ट भी आपको बता दिया। साहिद खान कह रहे हैं कि यू आर द हिंदू और मुस्लिम, मैं शायद हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है, टीचर तो टीचर होता है, टीचर जब किसी पोस्ट पर होता है तो उसके लिए धर्म से ज्यादा उसका कर्म मायने रखता है। मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का होता है तो वो धर्म नहीं होता है, वो फिर मुख्यमंत्री होता है। प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल होता है, प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है, टीचर टीचर होता है, इंजीनियर इंजीनियर होता है। कास्ट कहाँ से मायने रख गई उसकी यार, कास्ट से हमें क्या करना है शायद यार। इस तरह की चीज़ पूछ करके तो आप लोग दिल दुखाने वाली बात आप लोग कर देते हो। हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम है तो उसमें डिस्कस करिए, पूछिए आप लोग। चंदन कुमार बताइए बेटा इसका आंसर बताइए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले
षटभुज का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षटभुज, क्या है सम षटभुज है दोस्तों, इसमें मैं लिख देता हूं सम षटभुज, सम षटभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, बोले सर ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है लेकिन इसके फॉर्मूले ही याद नहीं है, मैं षटभुज का फॉर्मूला, अष्टभुज का फॉर्मूला, पंचभुज का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे वो थोड़ा सा बताओ। देखो कितना आसान है ये सब चीजें, अगर आपको नहीं आती है तो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। साथियों देखो सम षटभुज में बना दे रहा हूं, क्या बना दिया मैंने यार, देखो समझना, ये बन गया, ये प्रॉपर शेप ले लूं क्या मैं, प्रॉपर शेप ले लेता हूं, देखिए शेप है क्या इसमें, पंचभुज की शेप है, षटभुज की शेप नहीं है, छोड़िए ठीक है, ये षटभुज बना लिया हमने, इसका एक सेंटर ले लिया, सेंटर ऑफ हेक्सागन। अच्छा सेंटर को आप ऐसे करके मिला दो, सारे इन पॉइंटों को मिला दीजिए, ये सेंटर हमने क्या किए मीट करा दिए, मिला दिए तो क्या बन गए, ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 और ये समद्विबाह समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अच्छा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसकी साइड जो है ए, ये तो गिवन है आपको कितनी 10 सेंटीमीटर गिवन है, कितनी गिवन 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक त्रिभुज का एरिया अगर आपको मालूम है तो ये आप लोग कर सकते हो, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं उसको क्षेत्रफल, कितना होता है अंडर रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, अंडर रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर ही होता है ना। अच्छा ये एक त्रिभुज का है तो सारे त्रिभुज कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ये तो हुआ फॉर्मूला, अब फॉर्मूले में सीधा ऐड कर दो चीजों को, अंडर रूट 3/4 गुना ए कितना है हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर करना है 10 गुना 10 और मल्टीप्लाई किससे कर देना है 6 से, क्योंकि 6 है ये 6 है हमारे पास, या 6 उसमें ले सकते हैं आप लोग, तो 2 से काट दिया 2 बार आपने और 2 से 3 बार काट दिया, 2 से और काट दिया 2 5 10, 5 3 15 गुना 10 कितना हुआ 150 हो गया दोस्तों, और अंडर रूट कितना 3 और क्या सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल किस में होता है स्क्वायर में होता है वर्ग सेंटीमीटर, 150 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ज्योति इस तरह के कोई कमेंट ना करें जिससे किसी को दिक्कत हो, हम केवल पढ़ने की बातों पर ध्यान दें। समझ में आ पाया सबको मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है कि क्लास को धीरे धीरे आप लोग एंजॉय करेंगे, समझेंगे, समझ पा रहे होंगे आप लोग, आइए और आगे बढ़ते हैं समझते हैं चीजों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। इस तरह का भी एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग हर सेट में, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। अमित ने किसी संख्या के 2/5 हिस्से की गणना करने के बजाय उसके 2/5 हिस्से की गणना की, उसका उत्तर सही उत्तर से 336 अधिक था, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्योति सही किया आपने, कमेंट डिलीट कर दिया। कोई भी इस तरह की चीजें क्लास में ना हो जिससे कि किसी को दिक्कत हो, हमारा पढ़ाई पे फोकस रहे, पढ़ें हम लोग, और हमारा मोटिव ही पढ़ना होता है। ये जो टीम आपके साथ काम कर रही है एएलपी के लिए काम कर रही है, पूरी रेलवे एएलपी, और बहुत सारे सिलेक्शन इस सीरीज से होने वाले हैं। पीवाईक्यू सीरीज डिस्कस हम लोग कर ही रहे हैं, पीवाईक्यू में हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कैसे आसान हम लोग बनाएं,
कैसे आसान बनाए, कैसे शॉर्ट हम लोग करें, कैसे मार्क्स इंप्रूव करें, या जो कुछ हमें नहीं आता है तो उसको कैसे सीखें, ये सारे पॉइंट हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल अमन कुमार, काफी लेट आए हो बेटा, गुड इवनिंग। हाँ देखो समझो, वो कह रहा है कि अमित ने किसी संख्या को 2/5 हिस्से की गणना करने के बजाय 2/5 हिस्से की गणना, 2/5 नहीं 2/15 हिस्सा, ये क्या है 2/15 है, इसको ध्यान रखना 2/15, 2/15 हिस्से की गणना की, उसका उत्तर सही उत्तर से 336 अधिक था, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सीधा सा आसान तरीका मैं बताता हूँ, शॉर्ट बता देता हूँ। देखो शॉर्ट, अमन कुमार, अमन कुमार इस पे क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा। देखो 2/5 है ना, एक संख्या क्या है 2/15 से मल्टीप्लाई कर दे, पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे 2/5 से, फिर कर दिया किससे 2/15 से। अब देखो समझो, जैसे मान लो आपके पास कोई एक वैल्यू, कोई भी एक सामान है, कोई भी खाना है, आपने उसका 1/3 खा लिया, 1/3 का मतलब टोटल हिस्सा को 3 मान ले तो उसमें से एक हिस्सा आपने प्राप्त कर लिया, किससे खा लिया आपने, ये मतलब हुआ। यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल वैल्यू होती है, और ये जो होता है ये परसेंट रिजल्ट होता है, ये वैल्यू क्या होती है परसेंट रिजल्ट। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। देखो अब आप लोग 1/3 को 2/6 भी तो लिख सकते हैं, या 3/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सेम वैल्यू कर सकते हैं। तो इसको 15, तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, बोले सर बिल्कुल आसान है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया 6 बन गया, ये कितना बन गया 15, आपके पास बन गया 15/6 बन गया, टोटल वैल्यू कितनी है 15, ये भी 15। अच्छा उसको 6 से मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर दिया उसने किससे 2 से, तो कितनी ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और 4 से वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो यहां कितना अधिक उत्तर आया 336। तो हम कहेंगे सर 4:1 की जो वैल्यू है वो 336 है। तो बोले सर 1:1 की वैल्यू, 1:1 की वैल्यू 4 से भाग कर देंगे इसको, 4×8=32 और 4×6=16 है, 1:1 की वैल्यू 84 है, टोटल वैल्यू कितनी है 15, और टोटल वैल्यू 15 है तो 15:1 के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा 84 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15×60 के 0 हासिल 6, 15×8=120 और 6×128, 15×8=120 और 6×126, 15×60 करी 6 होगी, 15×8=120 और 6×126 1260 हो गया, जो कि ऑप्शन बी में आपके पास है। क्या ये तरीका समझ में आया, क्या ये समझ में आया है, क्लियर है। एक्स के तरीके से भी कर सकते हैं सर, ट्विटर कैंपेन के बारे में कुछ ना बोल रहे, बोला मैंने ट्विटर कैंपेन किया, हमने पार्टिसिपेट किया, सबने जो कुछ भी टीम कर सकती है वो सब आपके हित के लिए कर रही है, मोटिवेशन हमें बोल चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन बार बार पूरी क्लास में ही उसके बारे में डिस्कशन थोड़े किया जाएगा, बताइए हमें पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। मान लो गवर्नमेंट ने वैकेंसी इंक्रीज ना की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है उसमें पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मेन काम हमारा क्या है, पढ़ाई पे ध्यान देना जरूरी है साथ साथ, ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक्स से भी आप लोग इसको बना सकते थे चाहे तो, एक्स से कैसे बनाएंगे कि 2x/5 बताएं क्या, इसको हम लोग कर सकते हैं 2x/ नंबर x मान लिया 2/5 में इससे गणना की गई और उसने 2/15 में इससे गणना कर दी, इतना दिखाया, तो हमें करना है 2x/15 और माइनस कर देंगे 336 आ जाएगा हमारे पास, 336 एलसीएम कितना आ गया 15 आ गया, एलसीएम कितना आया 15 आ गया, 5×3 15 3×2 6x माइनस 2x बराबर कितना 336, 15 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो समझो, तो यहाँ कितना बचेगा 4x बचेगा, ये बचा 4x/15 बराबर 336, ये हुआ ना, x बराबर कितना 336/15/4, 4 से इसको काट देंगे कितनी बार कट जाएगा 4×8=32 4×6=16 84×5 करेंगे तो 1260 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में केवल है। ये दोनों ही तरीके मेरे हिसाब से आपके अच्छे से समझ में आ पाने चाहिए, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, क्लियर है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भी बेहतरीन क्वेश्चन है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, समय चाल तथा दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो राजकुमारी, बिल्कुल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, और मोटिवेशन आप करें, इस बार मोदी जी को
ओटीटी भी नहीं देंगे। कोई बात नहीं है, आप ध्यान दीजिए, जो सरकार के प्रति नाराजगी है वो है, सबकी है, हमारी भी है, लेकिन मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो इसमें छोटे छोटे दलों की कोई भी दबाव नहीं है। दबाव नहीं है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वो डिसीजन ले सकती है, मजबूत डिसीजन ले सकती है, और कई सारे मजबूत डिसीजन लिए हैं। तो इसमें आपका फोकस है कि अपनी पढ़ाई पर, वो जो कैंपेन वैम्पेन जो चल रहा है वो सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें इतने इन्वॉल्व ना हो जाएं कि हमारी जो पढ़ाई है वो इफेक्ट होने लगे, उसमें हम पीछे रह जाएं एक कदम। जितनी वैकेंसी है इतनी ही वैकेंसी रही, तो क्या करोगे? तो आपको एग्जाम नहीं दोगे क्या? दोगे। पढ़ाई पे भी ध्यान रखना जरूरी है, उस पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, बार बार क्लासों में बताता हूँ, जीवन में जब भी कोई भी वक्त आए तो आप लोग देख लें सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है, उस पर काम करिए। सबसे ज्यादा जरूरी काम ट्विटर कैंपेन, वो तो सब है, उससे ज्यादा जरूरी पढ़ाई है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। मोटिवेशन, अब क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दो रेलगाड़ियां हैं, ए और बी, शहर सी से डी के लिए चलना शुरू करती हैं। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर हो और 90 किलोमीटर की औसत चाल से चल रही धीमी गति से चलने वाली गाड़ी की तुलना में 1 घंटे समय अधिक लगता है, तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की चाल बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है, कमेंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन है बेटा, क्वेश्चन पर ध्यान देने की थोड़ी सी और ज्यादा जरूरत है, और हम आज में और कल में एक दूसरे को समझ पाएंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किस तरह समझने चीजों को। तो लाइव जरूर जुड़े रहे हैं सारे साथ साथ आप लोग, जिससे हम लोग और अपने मिशन को आगे बढ़ा सकें। देखो समझो, वो कह रहा है कि दो दो रेलगाड़ियां, दो ट्रेनें, ए और बी, सी से डी की तरफ। देखो ये शहर सी है और ये डी है, ये सी है और ये डी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 540 किलोमीटर है, ये 540 किलोमीटर है। अच्छा, दोनों ही यहीं से इधर की तरफ चलती हैं, ये ए है और ये बी है। एक जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दूसरी है 90 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चल रही धीमी, ये धीमी गति वाली है, तो तेज गति वाली इससे तेज होगी, धीमी गति से चलने वाली गाड़ी की तुलना में 1 घंटे अधिक समय लगता है। इंग्लिश में 90 किलोमीटर टेक्स अ 1 आवर मोर देन द फास्टर ट्रेन। अच्छा, फास्टर ट्रेन इससे ज्यादा स्पीड की है, तो इसको कितने घंटे लगते हैं? देखो, इसको ए को कितना समय लगता है, टाइम कितना लगता है ए को? समय बराबर, आप लोग तो जानते हैं ना क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, 90 से डिवाइड कर दिया आपने, 9 × 6 = 54, कितने घंटे लगे? 6 घंटे लगे ना। तो ये दूसरी जो गाड़ी है उसको 1 घंटा कम लगेगा, कितना? बोले सर 5 घंटे लगेंगे। भाई जब इसको 6 घंटे लग रहे हैं तो तेज गति से जो चलने वाली है उसको 5 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 1 घंटे पहले कवर कर लेगी वो, और 5 घंटे लगेंगे, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड यानी कि चाल, स्पीड बराबर बी की जो स्पीड है वो चाल बराबर दूरी कितनी? 540, समय कितना? 5 घंटे। तो 5 × 5 और 5 × 48, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, वो कह रहा है कि 580 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक गाड़ी 90 की स्पीड चल रही है जो धीमी गति वाली है, और वो तेज गति वाली से 1 घंटा ज्यादा ले लेती है, 6 घंटे ले लेती है, तो तेज गति वाली कितने घंटे लेगी? 5 घंटे लेगी, 5 घंटे लेगी तो 540 को कितने में? कुल मिला के क्वेश्चन ये 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन ये था, मेरे हिसाब से समझ में आपको आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में साथ साथ बताते जरूर रहें, जिससे कि और चीजों पर डिस्कस किया जा सके। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो इन्फो ट्रेड का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लें, वहां से इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, और डेली क्लास को 4 से 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली क्लास में लाइव जुड़ें, जिससे हम एक दूसरे को समझ पाएं और बेहतर ढंग से शॉर्ट टेक्स्ट के माध्यम से, और हमने मार्क्स को इम्प्रूव करना पाएं, मैथमेटिक्स को और मजबूत कर पाएं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।